हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इकराम और आप सभी कैसे हो। आज मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाइल लूप क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा लूप के बारे में बताना चाहूँगा कि हर किसी के घर पर फैन होता है, पंखा। अब वो फैन क्या करता है, अगर आपने वन राउंड उसे घुमाया तो क्या आपको एयर देगा? वो एयर नहीं देगा। तो वहां पर एक व्हाइल लूप का यूज किया गया कि जब तक स्विच को ऑन करेंगे तब तक फैन ऑन होगा और घूमेगा, रन करेगा। रन करते ही आपको एयर देना स्टार्ट करता है और वो जब तक चलता रहता है जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करते। तो वहां पर भी व्हाइल लूप का यूज किया गया। ओके, तो हम पाइथन में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, तो आप अपनी नोटबुक में जो मैं थ्योरिकल पार्ट्स बोलने वाला हूँ उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्चुअली लूप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एक्सिक्यूट करता है। लूप में इंडेंटेशन का काफी महत्व होता है। ओके, व्हाइल लूप का इस्तेमाल जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता रहता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब लूप का इटरेशन स्टॉप हो जाता है। इटरेशन का मतलब चलना, रन करना स्टॉप हो जाता है। हम सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इन पाइथन सिंटेक्स को देखेंगे, तो सिंटेक्स कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, इस तरह। व्हाइल उसके अंदर एक एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा व्हाइल लूप चलेगा और वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू जीरो दी और यहां पर व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल एक्सप्रेशन देंगे, इसके अंदर ए की वैल्यू लेस देन 10, ए लेस देन 10, मैंने ये एक एक्सप्रेशन दिया। अब प्रिंट कराएंगे कि अगर ए इज और इसे रन कराएंगे तो देखिए क्या होता है। इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट का कुछ पार्ट्स मैं आपको आगे लास्ट वीडियो में बताऊंगा, तो अभी हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। इक्वल ए प्लस वन। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसे रन कराता हूं। मैंने यहां पर ए की वैल्यू जीरो दी है, यहां पर एक्सप्रेशन दिया है कि ए की वैल्यू 10 से जब तक कम हो तब तक ये लूप काम करे और हमें आंसर दे। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या करता है। उसने 0 से लेकर 9 तक प्रिंट किया। क्यों 0 से 9 तक ही क्यों प्रिंट किया? तो आइए हम समझते हैं कि मैंने यहां तो वैल्यू 0 दी थी तो उसने 0 से स्टार्ट किया। उसने ये बात कही है कि ए जब तक 10 से छोटा हो तब तक लूप काम करे। मैंने यहां पर इक्वल नहीं दिया है, ए लेस देन इक्वल 10 देता तो मैं 10 तक वह प्रिंट करता, बट यहां 0 से 9 तक ही प्रिंट करेगा। या अगर मैं 1 देता हूं तो 1 से ही प्रिंट करेगा, 1 टू 9। देखिए 1 टू 9 उसने प्रिंट किया। तो यहां पर कहने का यही मतलब है, यहां पर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ए 10 से छोटा है इसलिए उसने ए की वैल्यू 9 तक प्रिंट की। और कैसे की? जैसे ही ये तो ए की वैल्यू 1 है, जब वो एग्जीक्यूट हुआ यहां पर 1 प्रिंट किया, आगे बढ़ा वो लूप में, तो ए इक्वल ए प्लस 1 हो गया। पहले से 1 था और यहां पर प्लस 1 हुआ तो 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 हमारी वैल्यू हो गई, यहां पर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो फॉलो करेगा 10 से 2 छोटा है तो फिर से वो प्रिंट 2 कराएगा और 2 यहां आते ही 2 प्लस 1 होकर 3 हो जाएगा और 3 को प्रिंट करा देगा।
इस तरह ये एग्जीक्यूट चलता है, काम होता रहता है। थ्री जैसे ही होगा यहाँ वैल्यू आएगी और यहाँ पर थ्री को वो प्रिंट कराएगा 4 5 6 7 8 9 तक, 1 to 9 तक वो प्रिंट करेगा और हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। ओके तो अब हम बात करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं हमको डिस्टर्ब ना करे बाद में, ये इसी की एग्जाम्पल को लेकर बताएंगे आगे। यहां पर व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, यानी कि व्हाइल लूप के अंदर जो एल्स पार्ट क्यों यूज किया जाता है, अगर एल्स पार्ट ना यूज करे तो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ठीक है, बात करते हैं व्हाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, जो कि आपके सामने लिखा है। व्हाइल लूप के एल्स का संबंध बनाया गया है, जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक व्हाइल लूप का स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है। इटरेट का मतलब बार 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 होता रहता है। कंडीशन फॉल्स होता है तब कंट्रोल पास होके एल्स पर जाकर एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ओके तो मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसी को ले लेता हूँ बेटर रहेगा। यहाँ मैंने वैल्यू 0 दे दी, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपके टाइम को बचा सकूँ, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एल्स पार्ट मैंने यूज किया, यहाँ प्रिंट करा देंगे, इसके अंदर लिख देंगे आउट ऑफ रेंज। या आउट ऑफ लूप रख देते हैं, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ लूप। अब ये क्या करेगा, वो आपको एक मैसेज देगा और इसीलिए हम लोग एल्स पार्ट को यूज करते हैं। उसने 0 से 9 तक प्रिंट किया और आपको बता दिया कि ये आउट ऑफ लूप हो चुका है, यानी कि आपने जितना एक्सप्रेशन इतना कंडीशन दिया है उसको मैंने फॉलो किया और फिर वो आउट ऑफ लूप हो गया। इसको उसने मैसेज शो करा दिया एल्स पार्ट में आते ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक व्हाइल लूप का स्टेटमेंट इटरेट होता रहता है। इटरेट का मतलब बार बार होता रहता है। कंडीशन फॉल्स होता है तब कंट्रोल पास होके, कंट्रोल जो हमारा पास होके वो एल्स पार्ट में आ जाता है और वो उसका स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो आप यहाँ पर व्हाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव लूप। इन्फिनेटिव लूप एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करूँ तो हमारे लाइफ में, हमारा इन्वायरमेंट में भी कुछ इस तरह के लूप हैं, इन्फिनाइट लूप। जैसे कि टाइम, हमारे लाइफ में टाइम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि गॉड ने टाइम में इन्फिनाइट लूप लगा दिया है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलता रहेगा। टाइम टाइम आप रोक नहीं सकते उसे, और टाइम कभी वो चलता रहता है, वो रुक ही नहीं सकता। और कब तक, वो अनंत तक, जब तक दुनिया चल रही है तब तक टाइम चल रहा है, वो चलता रहेगा। यहाँ पर इन्फिनाइट लूप है, इन्फिनाइट स्टार्ट हैं, स्टार्स हैं, यानी कि आप उसे गिनती नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा हैं, कितने हैं नहीं पता, इन्फिनाइट हैं। कुछ ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जो इन्फिनाइट है, उसमें इन्फिनाइट लूप एंट्री करा दिया है गॉड ने, वो चलता रहता है, काम करता रहता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था एक प्रोग्राम, फिर से मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस पार्ट को भी हटा देते हैं। तो हम इनफिनाइट लूप के बारे में थोड़ा थ्योरिकल समझ लिए कि जब तक व्हाइल का एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब तक
वो अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहता है। एग्जाम्पल है, यह है कि कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती रहती है, करती रहती है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, ये क्या कर रहा है, जीरो पार्ट को रन करता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, होती रहेगी होती रहेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी। यहाँ पर अगर वैल्यू हम 5 देंगे तो हमारी वैल्यू 5 भी उसी तरह इनफाइनाइट लूपिंग करती रहेगी और चलती रहेगी 5 5 5। तो कहीं कहीं पर हमें अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गेम्स में भी कंडीशन लगा दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे गेम होते हैं जो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, तो कुछ इस तरह भी हो सकता है। ओके, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ये कहूँगा कि अपने फ्रेंड लोगों को आप इसके बारे में सजेस्ट करें, उनको भी वाइल लूप फॉर लूप इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। मैं नेक्स्ट वीडियो फॉर लूप पर लाने वाला हूँ, जो कि वो भी डीपली होगा, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल और आपको मोटिवेट करने वाले कुछ वर्ड्स मैं लाने की कोशिश करूँगा आगे चलकर। ओके, थैंक यू फ्रेंड।